वेलकम टू एजुकेशन दर्शन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो ये हम वीडियो लेकर के आए हैं ये यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आया है और अभी इस फरवरी के मंथ में भी नहीं आने वाला है, पर हम आप सबको इसके नोटिफिकेशन पहले दे रहे हैं। उसका कुछ रीज़न भी है, चूँकि ऐसा है कि हम एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम नहीं चलते। एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना होता, क्योंकि हम तैयारी पहले से अगर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आपकी जो आने वाली है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं सीधे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ लिखे गए हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 22 अप्रैल 2020 को। तो ये इतना पहले ये वीडियो क्यों बनाया गया है, आप सभी के मन में ये ज़रूर सवाल आ रहा होगा। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डेट्स होती हैं, ये तो जो कमीशन होते हैं, यूपीएससी है या एसएससी है या कोई भी कमीशन है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग डेट निकालते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग डेट नहीं निकालते। तो आपको तैयारी अपने अकॉर्डिंग करनी होती है। तो आप पहले से अगर प्रिपेयर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इनके अकॉर्डिंग, जैसे कि आप सोचते हो कि नोटिफिकेशन आएगी तो हम फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो हम बहुत देर कर चुके होते हैं। तो उतने समय तक अगर आप वेट ना करके तैयारी अपनी अगर पहले से रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हो सकता है कि आप जितना टाइम नोटिफिकेशन का वेट में लगाते हैं उतने में ही आपकी तैयारी हो जाए, और जो नोटिफिकेशन का टाइम, जैसे आप देख सकते हैं कि 22 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप उस समय तक अपनी तैयारी लगभग कर चुके होंगे। बस आपको उस समय क्या करना होगा कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो रिवाइज़ करनी होंगी। आपको बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ने की उस समय आवश्यकता नहीं होगी, और अगर होंगी भी तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम होगा वो सब करने को। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 22 अप्रैल को ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा और उसकी एंड डेट जो है वो है 12 मई। आप इतने दिनों तक एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि एक दिन की एग्ज़ाम होती है, वो है 9 अगस्त को। तो अगस्त अभी है और अभी फेब चल रहा है, तो इतना पहले नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, तो आपके पास एक आइडिया हो जाता है कि मेरे पास इतने मंथ है, तो आप उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस वजह से बस ये वीडियो आपको पहले दिया जा रहा है। और किसी भी एग्ज़ाम से पहले आप करीब 6 मंथ का समय ज़रूर निकाल कर रखें, ताकि आप उस एग्ज़ाम पर अच्छे से कवर कर सकें। आप एग्ज़ाम के ठीक एंड टाइम में जब पहुंच जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 9 अगस्त यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल जैसे कि आप समझ सकते हैं जुलाई का मंथ जैसे एंड होने वाला है, तो आप उस वक्त अपने मन में बहुत डर रखते हैं, सोचने लग जाते हैं अरे अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास समय बचा नहीं है। और उस वक्त आप कुछ खास नहीं कर पाते हैं, जितनी चीज़ें आप पढ़ पाते हो आप उसे पढ़ते हो, किसी भी तरीके से आप पढ़ लेते हो, और वो किसी भी तरीके से पढ़ा हुआ हमें एग्ज़ाम में काम नहीं आता, क्योंकि हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो एक अच्छे मन से और हर एक चीज़ को ब्रीफ में अच्छे से सब कुछ पढ़ना होता है। छोटी मोटी चीज़ें जो हम मिस्टेक कर जाते हैं जल्दी जल्दी पढ़ने में, तो जल्दी जल्दी पढ़ने में हम सब चीज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सभी को ये सब, इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। वैसे ये तो मोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं है, बस मैं आप सभी को एक इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा था। अब हम लोग आगे बात करते हैं वीडियो में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपकी डेट्स मैंने बताई कि 22 अप्रैल को आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, 12 मई को इसकी एंड डेट है, और आपकी एग्ज़ाम जो होगी वो एक दिन की होगी, जो 9 अगस्त को होने वाली है। और इसका रिज़ल्ट जो है ये कंफर्म तो नहीं कह सकता, पर ये जो रिज़ल्ट होती है सितंबर के महीने तक करीब आने के चांसेस बहुत होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर सितंबर के महीने में आपके रिज़ल्ट आ जाते हैं तो उसके ठीक एक महीने के करीब बाद आपका जो पीटी होता है, पीएसटी, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये कराया जाता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या कराए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको आगे बात करता हूँ कि करीब 2 महीने के बाद जो होता है आपका, 2-2.5 महीने के बाद इंटरव्यू की डेट भी आ जाती है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो हम लोग अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न जो है ये आपका रिटन एग्ज़ाम का है, इसमें आपके 2-3 स्टेज होते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले हम स्टेजेस देख लेते हैं कि कितने स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम होता है। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम का जो स्टेज है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका जो होता है रिटन एग्ज़ाम होता है, जो कि 450 मार्क्स का होता है, इसके बारे में हम लोग अभी अच्छे से डिटेल देखेंगे। सेकेंड जो स्टेज होता है वो आपका पीटी पीएसटी एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। और जो थर्ड आपका जो होता है स्टेज वो होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होता है। तो चलिए अब इन सब चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रिटन एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, पेपर 1 जो इसका होता है उसमें जनरल एंड मेंटल एबिलिटी से आपको क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसके आपको 250 मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल 250 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और पेपर 2 जो आपका है, पेपर 2,
उसमें आपको जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस किए जाते हैं, साथ ही साथ ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन वाली जो पेपर होती है पेपर टू होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेपर वन में आपका जो होता है नेगेटिव मार्किंग होता है, पर पेपर टू में आपका नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो नहीं होता है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पेपर वन में कोशिश करना है कि आप जितना कम हो सके उतना नेगेटिव करें, या नहीं भी कर पाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि नोटिफिकेशन मैंने आपको बहुत पहले दे दिया है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो मे भी आपके चांसेस होंगे कि आप नेगेटिव बहुत कम करके आओ या ना भी करके आओ। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो ये जो पेपर वन होता है, पेपर वन ये क्या है, इसमें आपको क्या पूछे जाते हैं देख सकते हैं आप। रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, एनालॉगी, सिलोजिज्म, आपके ब्लड रिलेशन, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, नंबर सीरीज, अल्फ़ावेट्स, तो इन सभी से क्वेश्चन आपको किए जाते हैं। आगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, थोड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं वहाँ पे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी थोड़े होते हैं। और जीएस के सारे पोर्शंस, जैसे कि जो आप सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स जानते हैं, सारे सब्जेक्ट जानते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं आपके, जो कुछ नए स्कीम्स होंगे, कुछ नए जो स्पोर्ट्स में कुछ होते हैं जैसे कि, और भी छोटे मोटे जो इवेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कोई हमारे कंट्री में कोई अभी दौरे पर आते हैं, कोई बाहर देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, या हमारे देश के कोई प्रेसिडेंट वहाँ जाते हैं, कुछ जो एमओयूज साइन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है पेपर वन के लिए। और पेपर टू जो होता है आपका दो पार्ट का होता है, पेपर टू आपका दो पार्ट का होता है। पार्ट ए जो होता है उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ऐसे में से आपको कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं जो कि 80 मार्क्स का होता है, और इसका आंसर आपको करने के लिए दो लैंग्वेज का यहाँ पे सहारा होता है, या तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं या तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, या हिंदी में आपको करना है तो आप हिंदी में भी करो, इंग्लिश में आपको करना है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब आगे जो बात होती है पार्ट बी की, तो पार्ट बी में जो होता है यहाँ पे आपका कॉम्प्रीहेंशन, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, कॉम्प्रीहेंशन होता है पैसेज, या राइटिंग स्किल्स टाइप की यहाँ पे आपकी पेपर टू पार्ट बी में होती है, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल या इंग्लिश में आपको एक स्किल राइटिंग और राइटिंग टेस्ट वगैरह होती है इसमें, जिसमें आपको 120 मार्क्स के यहाँ पे करने होते हैं। और इसमें एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि बस आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ही यहाँ पे आपको पेपर करना होता है, क्योंकि ये जो पेपर टू का पार्ट बी है ये सीधा सीधा इंग्लिश को लेकर के फोकस किया रहता है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज यूज़ करने को नहीं दिया जाता है। तो ये तो रही बात सिलेबस की, अब हम लोग आगे देखते हैं पीईटी और पीएचटी के बारे में। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएचटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो होता क्या है कि जैसे आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको पीईटी या पीएचटी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर मेल्स के लिए कुछ अलग चीज़ें होती हैं और फीमेल्स के लिए कुछ अलग चीज़ें होती हैं। मेल्स को जो रेस होती है 100 मीटर्स की रेस 16 सेकंड्स में पूरी करनी होती है, और वही रेस जो होती है 100 मीटर्स की वो फीमेल्स को 18 सेकंड्स में करनी होती है। और एक रेस यहाँ पे होती है 800 मीटर की रेस होती है, ये तो 100 मीटर वाली जो रेस थी ये शॉर्ट रेस होती है, लेकिन ये जो 800 मीटर वाली रेस होती है थोड़ी लॉन्ग रेस होती है। इसे मेल को करने के लिए 3:45 का समय दिया जाता है, और वही फीमेल को करने के लिए करीब 1 मिनट ज़्यादा यहाँ पे मिलता है उन्हें, जो कि 4:45 मिलता है। लॉन्ग जंप जो यहाँ पे होता है उसमें 3.5 मीटर्स लड़कों को करना होता है, मेल्स को करना होता है, जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। आपको यहाँ पे 3 चांसेस में 3.5 मीटर जो होता है 3.5 मीटर वो आपको लॉन्ग जंप करना होता है, और लड़कियों को 3 मीटर करना होता है, और जिसके लिए उन्हें भी 3 चांसेस ही दिए जाते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट पुट जो है, शॉर्ट पुट ये आप देख सकते हैं कि बस मेल के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, फीमेल के लिए यहाँ पे शॉर्ट पुट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और शॉर्ट पुट जो मेल्स के लिए होता है वो 4.5 मीटर शॉर्ट पुट होता है। शॉर्ट पुट आप समझ सकते हैं जो बड़ा सा एक वेट होता है, जो कि आपको 7.26 केजी अप्रोक्स होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे 7.26 केजीज का जो यहाँ पे होता है शॉर्ट पुट आपको करना होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो अगर आप इस पीटी और पीएचटी में भी पास कर जाते हैं या क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आपका जो होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। तो अगर आप इस इंटरव्यू में भी पास कर जाते हैं अगर, तो उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद आपकी सिलेक्शन जो होती है वो बिल्कुल पक्की होती है। तो इस तरीके से यूपीएससी सीएपीएफ का यहाँ पे सारा डिटेल आप सभी को इस वीडियो में बताया गया है। प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करें, और हमारे साथ सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। कुछ दिनों से थोड़े हमारे सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, या हमें थोड़ा वॉच नहीं किया जा रहा, तो इस बात का थोड़ा
दुख हमें भी हो रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं पर हमें उतना सा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो प्लीज़ जितने लोग यहाँ पे हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें फ्रेंड्स। हम आपके लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप सभी को अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स अच्छे वीडियोज़ बना करके दें जो कि आपको बहुत हेल्प करें और आपके फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। सो प्लीज़ फ्रेंड हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें, हम अपना सपोर्ट बिल्कुल ना छोड़ें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप हमें पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आप सभी के लिए कंटेंट जमा करने में, एक अच्छा कंटेंट जमा कर करके आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत संघर्ष होता है, तो आप ये समझ सकते हैं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।